फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षिंदा। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, वो पैंटीन एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन। ये पैंटीन शैम्पू बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी कुछ दिन पहले मेरे बाल बहुत ही रफ़ और ड्राई हो गए थे और मेरे हेयर फॉल्स हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना कोई सा शैम्पू चेंज कर दूँ, क्योंकि मैं शैम्पू चेंज करती रहती हूँ। तो ये मुझे पैंटीन का बहुत ही अच्छा शैम्पू लगा इसमें, क्योंकि लिखा हुआ था पैंटीन एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन। तो ये मुझे लगा कि ये मेरे बालों के लिए अच्छा होगा। तो मैं जो भी शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मैं उसी का ही कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी यही करें, जब भी आप कोई शैम्पू चेंज करें तो उसी का कंडीशनर यूज़ करें। देखिए, एक तो ये इतना मुझे अच्छा लगा कि ये इतना खूबसूरत इसका ये जार और ये इसकी बॉटल है और इसकी ट्यूब है, मुझे बहुत ही पसंद आई और ये मैंने ले ली। वैसे भी मैं आपको अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि चीज़ों की अंदर से जो चीज़ होती है वो तो मैं देखती हूँ, लेकिन ऊपर से उसकी ब्यूटी भी मैं देखती हूँ। जो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट सा ट्यूब लगा। और बॉटल पेंटिंग तो है ही बहुत अच्छी, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो ये मैंने लिया और ये मैंने यूज़ किया, तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। मुझे लगा कि मेरे बालों को जैसे हेल्दी हुए और इससे वॉल्यूम भी आया मेरे बालों में, तो मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छे हो गए। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसा शैम्पू है। तो ये मैंने लिया, फिर वही बात कि मैंने इसको अच्छे सुपर स्टोर से लिया। जैसे अपने घर के करीब जो अच्छा सुपर स्टोर हो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये मैंने वहाँ से ले लिया। ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस शैम्पू की स्मेल, फ्रेग्रेंस बोलने स्मेल बोलने बहुत ही अच्छी है। और ये इतना अच्छा लगता है जब आप शावर लेके निकलते हैं तो आपके बालों से इतनी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, और ये कंसिस्टेंसी दोनों की अपने अपने लिहाज से बेस्ट। ये शैम्पू अपनी जगह बहुत अच्छा है, कंडीशनर अपनी जगह बहुत अच्छा। अच्छा, आपको मैं इसका यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। इसके यूज़ करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने शावर लेना है। शावर लेने से पहले अगर आप ऑयलिंग कर लें तो बेस्ट रिज़ल्ट है। ऑयलिंग की थोड़ी सी आदत डाल लें, बहुत से लोगों को आदत नहीं होती कि ऑयल लगाने से हमारी आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। नहीं, आप एक काम करें, जैसे आपने शावर लेने जाना है तो आपने क्या करना है, आपने शावर लेने से आधे घंटे पहले इतना तो कर लेना, चले आधे घंटे नहीं तो 15 मिनट पहले आप अपने बालों में खूब अच्छी तरह ऑयलिंग करें। आप स्कैल्प पे लगाएं, रूट्स पे से लेके एंड तक लगाएं। देखिए, बालों में हम लोग आजकल देखिए कितनी चीज़ें करवा रहे हैं, रिबॉन्डिंग, स्ट्रीकिंग, कलर और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं अब। और फिर हम इतना ज़्यादा अच्छी हमारी वो भी नहीं है क्रॉप के आप बहुत अच्छी तरह खाएं, तो इसलिए अगर थोड़ा सा ये कर लें कि अगर आपके हेयर फॉल्स हो रहा है तो आप देखें कि इसकी क्या वजह है, कहीं ये तो नहीं किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही हो बॉडी में, तो आप वो चीज़ देख लें और फिर उसके बाद आप ये यूज़ करें, ये शैम्पू यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो बेहतर है कि आप ऑयलिंग करें बालों में आधे घंटे पहले कर लें, वो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो 20 मिनट पहले कर लें, लगा लें अच्छी तरह। जैसे आप वॉशिंग शावर लेने जा रही हैं उससे 15 मिनट पहले आपने अच्छी तरह अपने बालों में लगाया, खूब अच्छी स्कैल्प पे लगाया, एंड तक लगाया और अच्छी तरह मसाज हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से करें तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आप शैम्पू करेंगे, शैम्पू करने के बाद आप खुद देखिएगा कि आपके बाल एकदम बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ मैं खुद करती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये नहीं होता है कि मैं कोई भी चीज़ ले आऊँ और बस मैंने ला के आपको बता दिया। मैं ये करती हूँ कि खुद यूज़ करती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो ऑयलिंग तो मैं करती ही हूँ और मैं तो ओवरनाइट ऑयल लगा लेती हूँ, तो इसलिए आप लोगों से कहती हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पसंद ऑयलिंग करना, तो थोड़ी सी देर लगा लें अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, ये मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। तो आपने ये लगा लिया, उसके बाद आपने क्या करा, अपना वॉश कर लिया हेयर टैप वाटर से, और अगर ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है तो दो दफ़ा आपकी शैम्पू यूज़ कर लें, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ अपनी शैम्पू, ठीक है, दो दफ़ा यूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप अच्छी तरह वॉश कर लें, आपको लगे शैम्पू पूरा निकल गया, तो फिर आपने इसको कंडीशनर को यूज़ करना है और 5 to 10 मिनट तक लगे रहने दें और फिर आप ये इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद देखिए, शैम्पू करने के बाद जब आपके बाल वॉश हो जाएंगे तो इसको अच्छी तरह आपने पानी निकाल देना अपने बालों से, और फिर थोड़ा सा ये ले लेना है कंडीशनर, आपने अपने हैंड में रखना और स्कैल्प को छोड़ के, आप रूट्स को छोड़ के आपने यूँ करके कंडीशनर लगाना है, खूब अच्छी तरह लगा के आपने मसाज करना और 5 to 10 मिनट इस तरह से आपने अपने बालों में लगे रहने देना। उसके बाद आपने वॉश कर लेना, वॉश करके जब आप निकलेंगे तो आपने क्या करना है, अपने बालों को टॉवल से बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई कर लें
और फिर उसके बाद हल्के हैंड से फॉर्म से, और ड्राई मशीन है तो ड्राई मशीन से या वैसे ही आप ड्राई कर लें तो आपकी फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाएगी, ड्राइनेस, डलनेस, शाइन आ जाएगा बालों में और बड़े खूबसूरत से आपके बाल हो जाएंगे जिस तरीके से आप बाल बनाना चाहें बनेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी अभी रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो करवाया है, इतने स्मूथ और सिल्की से बाल हो जाएंगे। क्योंकि मैं यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ जिसके मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, बहुत अच्छा शैम्पू और कंडीशनर है और ये आप लोग ज़रूर लें, अच्छी जगह से लिएगा और इसको जब यूज़ करने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो ये आप अच्छी जगह से लिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, सब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।